Innovator Bipin Gadia has developed an energy conservation system for lighting. It is based on low voltage rather than high voltage system, which is used in the existing lighting grids and thus helps save energy. The fixtures used in this technology are made from heavy reflectors, which power thrice as long as traditional light systems. An electronic circuit supplies power regularly and conserves energy base through the system. मैंने जो इनोवेशन की है वो लाइट सेविंग सिस्टम है. उसमें कम बिजली में ज़्यादा रोशनी मिलती है और उसका ट्यूबलाइट फिक्चर्स और उसका कॉपर ब्लास्ट सब हमने नई तरह से डेवलप किया है. ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता है और ये लाइट सेविंग बहुत करता है और प्रकाश ज़्यादा देता है. उसका सभी पहलू कम्फर्ट हैं. अभी जो लाइटिंग की सिस्टम है, हैलोजन लैंप है, सोडियम लैंप है, टंगस्टन लैंप है, उससे 50% ज़्यादा फायदा में ये चलता है. हमने ये पहले सोचा कि वर्ल्ड में जो फ्यूल एनर्जी और वाटर का इस तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ऐसी कोई नई इन्वेंशन करे जिससे सबको यूजफुल होता है और एनवायरनमेंट में ये फ़ायदा होता है. एनर्जी का वो जनरेशन करने के लिए एनवायरनमेंट में ज़्यादा वो बिगड़ता है और ये कॉस्टली हो जाता है. एनर्जी अभी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है तो हम ऐसी कोई डिवाइस डेवलप करें जिससे एनर्जी बच जाए. और हमारे इंडिया में जो एनर्जी 17.5% लाइटिंग सेक्टर में यूज़ हो जाती है वो ज़्यादा है, उसकी कम करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये डेवलप किया है. हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो रिफ्लेक्टर है और जो ट्यूब है और जो कॉपर ब्लास्ट है एक नई डिज़ाइन से नए तरह से बनाया है जिसका तीनों का कॉम्बिनेशन होकर 4 गुना लाइट हो जाती है. मानो कि एक ट्यूब है उसमें जो लक्स लुमेंस आता है उससे 4 गुना हो जाता है. ये हमारी टेक्नोलॉजी है. उसके पीछे हमने सारी डिज़ाइन कॉपर ब्लास्ट ट्यूब और फिक्चर सब में चेंज किया है. हमने 2007 में फिक्की ने जो वर्कशॉप किया था उसमें लॉकहार्ट मार्टिन और टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए के सब आए थे. उसने हमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसको कॉमर्शलाइज कैसे करना उसका हमने सिखाया. उससे हमने बहुत जानने का मिला है और हमें एक वो आत्मविश्वास मिला है कि तुम आगे बढ़ो और तुम लोगों को ऐसे समझाओ कि ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़फुल होती है, ये इनोवेशन.